हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये दानेदार बर्फी बनाएंगे सूजी से। इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी है, आधा कटोरी घी है, ये मावा है एक कटोरी, और ये आधा कटोरी चीनी है। पहले कढ़ाई में घी गरम कर लेते हैं। अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं तो मिठाई तो बनाना बनता है, तो इसलिए हमने सोचा कि सूजी की दानेदार बर्फी बनाते हैं। घी गरम हो गया है, इसमें मैं सूजी को भून लूँगी। लगातार इसे चलाते रहना है और हल्का सुनहरा होने तक इसे भूनना है। सूजी का कलर चेंज हो गया हल्का सुनहरा, और अब इसमें अपना मावा डाल लेंगे। मावे को मैंने कद्दूकस कर लिया था, हाथ से भी मैश कर सकते हैं उसे। इसे भी इसमें भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे भूनना है धीमी आंच पर। ये बर्फी बिल्कुल हमारी मावा जैसी ही लगेंगी और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा खाने में। मावा भी भुन गया है सूजी के साथ साथ। अब इसे बंद कर देते हैं, उतार कर रख देते हैं कढ़ाई को। अब एक दूसरा बर्तन लिया है मैंने, इसमें एक कटोरी पानी डाल दिया है और आधा कटोरी चीनी। इसकी हमें एक चाशनी बनानी है, हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इसे अच्छे से पकाना है। हम जब उंगली और अंगूठे के बीच में से चाशनी को लगाकर देखें तो थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, हमें इस तरह की चाशनी बनानी है। इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, और ये है फूड कलर, जो हम लड्डू बनाते हैं तब डालते हैं, ये येलो फूड कलर है। अच्छे से इसे चलाते रहेंगे पकाने तक। इसमें उबाल देना है अच्छे से। हमारी चाशनी बनकर तैयार है और अब हम इसे सूजी में डाल लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और कोई पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से सूजी और मावा हमारा भुन गया है, मैंने इसे लगातार चलाया है। अब मैंने एक थाली ली है और इसे घी से मैंने ग्रीस कर लिया ताकि हमारी बर्फी नीचे चिपके नहीं इसमें, और इसमें अपना मिक्सचर डाल लेंगे। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लूँगी। ये मैंने थोड़े से बादाम और
काजू लिए थे, इन्हें डाल लूँगी और 1 से 2 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए मैं रख दूँगी और तब हम इसके पीस कट करेंगे। आप देखोगे कि कितनी अच्छी बर्फी हमारी बनकर तैयार हुई है।